तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? तो सन एंड इट्स कंपेनियन सेलेस्टियल बॉडीज कंस्ट्रक्ट अ सोलर सिस्टम। तो आज का तो हम लोग का टॉपिक हो गया सोलर सिस्टम। तो वो सोलर सिस्टम कैसे बनता है? पहले सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज हो गया स्टार, मून, प्लैनेट्स और जितने भी हेवनली बॉडीज हैं वो सब सेलेस्टियल बॉडीज बोले जाते हैं। उसके बाद हम लोग का जो यूनिवर्स है वो क्या है? द वास्ट लिमिटलेस स्पेस इंक्लूड ऑल सेलेस्टियल बॉडी इज नोन एज यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्स में आता है गैलेक्सी, और गैलेक्सी क्या है? बंच ऑफ बिलियन ऑफ स्टार एंड गैसेज ऑफ डस्ट, वो है एक गैलेक्सी। और हम लोग का जो सोलर सिस्टम है वो कैसे बना है? तो हम लोग का जो सोलर सिस्टम है वो बना है ये नेब्यूला नाम के एक जाइंट क्लाउड जो कि डस्ट का था उससे, और वो और एक एक पूरे गैलेक्सी में बहुत सारे ही ये होते हैं क्लाउड होते हैं ऐसे, और बहुत सारे स्टार भी होते हैं, और बहुत सारे स्टार का वो भी एक वो सोलर सिस्टम में होते हैं। जैसे कि इसके अभी तक हम लोग जैसे एक प्लैनेट में रहते हैं जिसका नाम है अर्थ, वो हो गया एक एग्जांपल। उसके बाद सोलर सिस्टम हम तो आप लोग जानते ही हैं, सन एंड इट्स कंपेनियन सेलेस्टियल बॉडी कंस्ट्रक्ट और सोलर सिस्टम, इसमें आते क्या क्या हैं? तो मेनली सन आता है क्योंकि सन ही तो पूरा ग्रेविटेशनल फोर्सेस जितने भी प्लैनेट हैं और जितने भी पूरे स्टार सब हैं जितने भी प्लैनेट हैं और एक स्टार है वो ऐसे वो एक ग्रेविटेशनल फोर्सेस जोड़ के रखता है, और कि ये सब इधर उधर ना हो जाए और सब एक लाइन में जाते हैं। तो हम लोग का जो सन है ये नहीं है कि सन अपने जगह पे कांस्टेंट है, वो पूरे मिल्की वे का पूरा चक्कर लगा रहा है, वो मूव कर रहा है, और जो अर्थ है वो उसके मूव कर रहा है। अर्थ क्या है? तो अर्थ है एक प्लैनेट, और सन क्या है? सन है एक स्टार, और स्टार क्या होते हैं? स्टार होते हैं सेल्फ ल्यूमिनियस बॉडी। सेल्फ ल्यूमिनियस बॉडी क्या होते हैं? तो वह सेल्फ ल्यूमिनियस बॉडी वह बॉडी होते हैं जो खुद से हीट और लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये स्टार होते हैं। और उसके बाद प्लैनेट क्या होते हैं? तो प्लैनेट होते हैं वह बॉडीज इस जो सेल्फ ल्यूमिनियस नहीं होते हैं, खुद से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जैसे हो गए प्लैनेट्स हो गए, फिर और स्टार को छोड़ के ज़्यादातर जो वो बॉडीज होते हैं हेवनली बॉडी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं वो लोग सेल्फ ल्यूमिनियस नहीं होते हैं। प्लैनेट्स हो गए, सेटेलाइट हो गए, मीटियोर्स हो गए। उसके बाद तो अर्थ क्या है? तो प्लैनेट अर्थ क्या है? प्लैनेट अर्थ है एक बहुत यूनिक प्लैनेट। क्यों है ये यूनिक? क्योंकि जो इतना यूनिक प्लैनेट, यहाँ एयर है, ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर है, सॉइल है, और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ लोग यहाँ लिविंग बीइंग हैं, यहाँ लोग जीते हैं। उसके बाद सेटेलाइट क्या है? सेटेलाइट जो है वो एक दूसरी भाषा का वर्ड है जिस भाषा में ये बोला जाता है, असिस्ट करने को बोला जाता है सेटेलाइट। तो ऐसी से बना है सेटेलाइट वर्ड। सेटेलाइट मीन्स होता है असिस्ट करना। तो उसके बाद अगर तो और ये क्या होते हैं है? ये जो प्लैनेट्स को यहाँ स्टार जो ये हम लोग अर्थ का जो सेटेलाइट है उसका क्या नेम है? तो अर्थ के सेटेलाइट का नेम है मून। तो मून क्या करता है? अर्थ को वो सेटल वो उसको असिस्ट करता है, वो उसके चारों ओर घूमता है। जैसे कि ये जो हम लोग का ये था सन था, उसके चारों ओर जैसे ये अर्थ घूम रहा था और बाकी प्लैनेट्स घूम रहे थे, वैसे ही ऐसे ये हर प्लैनेट के ये घूमता है। ऐसा नहीं है कि हर प्लैनेट के पास ही उसका सेटेलाइट होता है। जैसे सैटर्न हो गया, उसके पास मोर देन 100 सेटेलाइट हैं, और कुछ प्लैनेट ऐसे भी हैं, दो प्लैनेट ऐसे हैं जिनके पास सेटेलाइट ही नहीं है। वो दो प्लैनेट हैं, पहला मर्क्यूरी, दूसरा वीनस। और वीनस जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, इस वजह से वो और ज़्यादा फेमस है। उसके बाद सेटेलाइट भी हो चुका है। उसके बाद मून क्या है? तो मून के बहुत सारे फेसेस आते हैं, जैसे हाफ मून, फुल मून, अमावस्या। उसके बाद एस्टेरॉयड क्या होता है? उसके बाद जैसे सोलर सिस्टम है उसमें एस्टेरॉयड भी आता है, मीटियोर्स भी आता है, कॉमेट्स भी आता है। तो कॉमेट्स क्या होता है? रॉकी चंक्स होते हैं, कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स, ये ऐसे ही बहुत सारे घूमते रहते हैं। इसके बाद इनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। एक बार एक कॉमेट धरती से आके टकरा गया था जिसके बाद डायनासोर विलुप्त हो गए थे, इस वजह से ये कितने सारे खतरनाक भी होते हैं। उसके बाद कितना बड़ा है हम लोग का सोलर सिस्टम।